देखो मैम, ऐसा है कि 2000 रुपये के नोट हैं या किसी के नोट हैं, अगर किसी के पास नंबर 2 का पैसा है वो चिल्लाएगा। अच्छा। और इससे आम आदमी पे कोई असर नहीं है। जो जो लोग नोटों को छुपा के बैठे हैं, जो लोग दबा के बैठे हैं, क्योंकि उनको ही नुकसान हो सकता है। काला धन ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। काला धन खत्म करने का जितने भी तरीके होने चाहिए गवर्नमेंट ने लेने चाहिए। जितनी अपोजिशन पार्टियाँ सबके पास नंबर 2 का तो भी चिल्ला रही हैं। जो हमारे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्यवीर सिंह पूनिया। सर, अभी 2000 नोटों को लेकर बड़ा फैसला आया, आरबीआई ने जो है वापस लेने की बात कही है और बोला है कि 30 सितंबर तक आप इसको अपने नोटों को एक्सचेंज करा सकते हैं अपने बैंक में जाके। तो क्या कुछ कहना है आपका, कैसे देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। अच्छा। और इससे आम आदमी पे कोई असर नहीं है। जो लोग नोटों को छुपा के बैठे हैं, जो लोग दबा के बैठे हैं, क्योंकि उनको ही नुकसान हो सकता है। काला धन ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। काला धन खत्म करने का जितने भी तरीके होने चाहिए गवर्नमेंट ने लेने चाहिए। हाँ, जो नोट तो दिख ही नहीं रहा था 2000 का कहीं पे भी जी। तो सारे तो दबा के बैठे थे बोरियों में जी। और पहले भी जो बंदी हुई थी वो भी ठीक था। अच्छा, ये विपक्ष कैसे बर्बाद हो गया जी। बैठे बैठे घर बैठे बर्बाद हो गया पाकिस्तान जी। यही था भाई, नकली नोट छापते थे और बोरी भर के हिंदुस्तान में चलाते थे। तो ये बहुत ठीक बात है, ये चलाना चाहिए बार बार। तो लेकिन जो विपक्ष है वो हमेशा जो है मोदी सरकार पे निशाना साधता है कि जो इन्होंने ये वापस से नोटबंदी का जो किया है वो एक साजिश के तहत किया है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साजिश कुछ नहीं है। विपक्ष को देखो, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बोलना है। विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलने का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष तो हमेशा ही बोलता है, कोई अच्छा काम करोगे उसका लिए बोलता है। सर, क्या नाम है पहले तो आपका? राधे नाम मेरा। 2000 के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है, हालांकि 2016 में जो है 2000 के नोट लाए गए थे नोटबंदी के बाद, अब वापस से उसको 7 साल बाद देखा गया कि वापस से विड्रॉ करने की बात चल रही है, तो क्या कुछ कहना है? देखो मैम, ऐसा है कि 2000 रुपये के नोट हैं या किसी के नोट हैं, अगर किसी के पास नंबर 2 का पैसा है वो चिल्लाएगा। जिसके पास नंबर, जितनी अपोजिशन पार्टियाँ सबके पास नंबर 2 का, तभी चिल्ला रही हैं। एक नंबर का पैसा आपके पास है, आप क्यों चिल्लाओगे? मेरे पास पड़ा 10 लाख भी, मैं खुले से कहूँगा चलाओ। वो विपक्ष बोल रहा है कि लोगों को परेशान करने की साजिश। लोगों को परेशान क्यों होगा? मैं कहता हूँ आपके पास घर में 2 लाख पड़े हैं और आपने बैंक से निकाले हैं। जिसके पास एक नंबर का पैसा, 2 नंबर का नहीं है, वो चिल्लाएगा। हालांकि आरबीआई की तरफ से पर्याप्त समय दिया गया है कि सितंबर तक, लास्ट 30 सितंबर तक की डेट है एक्सचेंज करने की। तो समय तो उन्होंने बहुत दे दिया, समय भी नहीं देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं जब एक नंबर का पैसा है तो डर किस बात का? जो भी पार्टी कर रही है, जो भी आदमी कह रहा है कि गलत है, वो आदमी के पास 2 नंबर का पैसा है। जिसके पास एक नंबर का पैसा है वो चिल्लाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं चिल्लाएगा कोई भी। गलत है, बिल्कुल सही हो रहा है, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है देश में। लगातार यहाँ हम जनता की राय जानने आए हैं कि 2000 के नोटों पर उनके क्या विचार है जो विड्रॉल कर दिया गया है। अभी हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, क्या नाम है अंकल आपका? मेरा पीताम्बर दादलानी जी। अंकल, आप किस तरीके से देख रहे हैं 2000 के जो नोट हैं वो वापस लिए गए हैं? 2016 में इसको हालांकि लाया गया था नोटबंदी के बाद, अब उसको विड्रॉ कर दिया गया है और 30 सितंबर की डेडलाइन दी है कि आप इसको एक्सचेंज करा सकते हैं बैंकों में जाके, तो आपको क्या लगता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देते हैं सारे लोग आराम से लेते हैं। कोई तो मतलब आपके अकॉर्डिंग जो 2000 के नोट जो विड्रॉन गए हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर विपक्ष को काफ़ी समस्या हो रही है। तो ये है, मगर हमें पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया। अच्छा, आप साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं, 100% साथ हैं। लेकिन जो मोदी सरकार पर हमेशा निशाना साधती रहती है गवर्नमेंट, अपोजिशन की लोगों को परेशान करने की साजिश की गई है इलेक्शन आते ही। नॉट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया है। लोगों के पास बहुत जो ब्लैक मनी थी वो निकलेगी और वो अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, कंज्यूमर के लिए अच्छा है, देश के इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा। सर, पिछली बार भी इलेक्शन के समय ही नोटबंदी हुई थी, अभी भी हालांकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले, अब दोबारा से जो है नोटबंदी का जो फेस जो है चेहरा देखना पड़ रहा है जनता को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे समझ में तो इलेक्शन पर कुछ असर नहीं होना चाहिए। बाकी तो ये है कि जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे अभी राजस्थान में इलेक्शन अगर होना है तो वो यही चाहते हैं कि ये नोट मीन्स क्यों बंद हुए हैं। लास्ट टाइम भी यूपी में इलेक्शन होने तो अखिलेश ने बहुत चिल्लाया था, मगर ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए।
सर अभी 2000 नोट का विड्रॉल किया गया है आरबीआई के अकॉर्डिंग, आरबीआई ने 2000 नोटों को विड्रॉल करने का जो है घोषणा करी है, किस तरीके से देखते हैं आप? आई थिंक बहुत ही बड़ा स्टूपिड डिसीजन है। स्टूपिड डिसीजन आप कह रहे हैं, मतलब क्यों? क्योंकि विड्रॉ तो कर रहे हैं बट स्टिल एज लीगल टेंडर तो अभी भी है ही। लीगल टेंडर है, उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक आप इसको एक्सचेंज करा सकते हैं अपने बैंक्स में जाकर। हाँ जी, तो आप इसको जनता के हित में देख रहे हैं इस फैसले को कि उसके खिलाफ? आई जस्ट थिंक इट्स अ स्टूपिड डिसीजन बट अपार्ट फ्रॉम दैट या पीपल वुड गो थ्रू। जिस तरीके से हमने जनता से बात करी उनको तो ये काफी फेवर में लग रहा है। मेरे हिसाब से नहीं है। आपके हिसाब से नहीं, क्या समस्या आपको लगती है? वही आप जाओ बैंक पे फिर अपना विड्रॉ करो, 2000 के नोट्स दो, 500 दो, तो दैट कॉजेस टू मच। उसके लिए तो अभी काफ़ी समय दिया है उन्होंने, मतलब भीड़ भाड़ ना हो, लाइनें ना लगनी पड़े। बट फिर भी इट्स नॉट, बेसिकली दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस सो दैट इंडिया से ब्लैक मनी हटे, राइट? बट इंडिया कैन नॉट फंक्शन विदाउट ब्लैक मनी, यू गेट माई पॉइंट? सो ये सब होता रहेगा। नमस्कार सर, क्या प्रेमलाल सिंह? सर अभी 2000 नोट को, नोट के जो एक डिसीजन आया आरबीआई की, जो 2000 नोट को वापस ले लिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? अब जैसे आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं ना, तो उससे इसमें ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ना भी किए जाएं बंद तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे नॉर्मल भी चलेगा तो सही है चलने से। हाँ यही है। आपको क्या लगता है कि सर जो 2000 के नोट जिस तरीके से बंद किए गए हैं उस पर क्या खासा असर जो है जनता पर देखने को मिला? जनता पे तो नहीं, लेकिन हाँ काला धन तो 2000 के नोटों से ही इकट्ठा हो रहा था, तो ऐसा नहीं है। वैसे हम लोग जो आपस जो मीडियम वर्ग के लोग हैं वो लोग तो गूगल पे का यूज़ करते हैं या ऑनलाइन वो यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनके लिए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ जिनके पास पुराना धन है, जो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं बड़े नोटों को छुपा के रख लेते हैं, तो उससे जो काला धन है वो तो होना चाहिए, मतलब इस तरह का हर होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए 5 साल में या 10 साल बाद लेने चाहिए, जैसे कि काला धन बाहर निकल के आए। तो सर विपक्ष जो है इस पे बोल रहा है कि जो जनता को परेशान करने की साजिश है, जनता को परेशान किया जा रहा है, दोबारा से नोटबंदी का जो एक चेहरा जो एक बार सामने वापस लाया जा रहा है। केवल 2000 के नोट बंद किए हैं ना, 500 के 100 के ये ऐसे नोट नहीं किए हैं। आम जनता के लिए जो जो स्पेंड करता है वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आदमी अपना लाइफ स्टाइल में खर्च करता है वो अपने क्रेडिट कार्ड से कर लेगा। चलो जो जो कम कमाते हैं उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो 2000 के नोट एक दिन में यूज़ कर पाएँ या 5000, वो करते हैं एक दिन का खर्चा उनका 500 का होगा या 1000 का होगा। देखा गया है कि हमने जिनसे भी बात करी उनका तो कहना यह है कि जो कॉमन मैन है उसके पास तो 2000 के नोट पाए भी नहीं जाते हैं। उनके पास रहते हैं भाई, मेरे पास खुद मैंने कब से नहीं देखा, मेरी शादी होने वाली है कल, मेरी आज मेरी शादी हुई है और हमने जो है ना हमने कभी मतलब ये सारा जो ट्रांजेक्शन किया है ज़्यादातर अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू किया है, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि 2000 नोट अगर बंद हुआ है तो जो लोकल जो आम जनता है उन पे कोई फ़र्क पड़ा होगा। सर आपसे जानना चाहूँगी 2000 के नोट को जो वापस से बंद करने की बात की गई है और 30 सितंबर तक जो है इसको अपने बैंक में जाके लोग जो है एक्सचेंज करा सकते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले? ये सही फैसले है मैम। लोग सही कैसे? सही इसलिए जो कि बड़े बड़े नोटों हैं, जो बड़े बड़े जो काले धन वाले हैं उनको रखने में आसान होता है। आपको लगता है वाकई 2000 के नोटों से जो है काला धन जो बंद कर दिया गया उसे वापस आ जाएगा? अरे वापस आए नहीं आए, लेकिन कहने का मतलब जो उनको जो फिर ऐसा होता है ना, जो 2000 का नोट मान लीजिए जैसे कि 1 लाख है तो उसमें क्या 20 आएगा और उसमें तो ज़्यादा आएगा, तो इस तरीके से सही है बंद किया गया है। सो ठीक, लेकिन जो अपोजिशन है जो विपक्ष है वो ये बोल रहा है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है वापस। वो अपोजिशन वाले तो ऐसे देखिए जी आए दिन होते ही रहता है, वो अगर कुछ नहीं कहेंगे तो उनकी चले। ऐसा है क्या वाकई जो है जनता जो है दिल्ली की जनता या फिर कहें भारत की जनता परेशान है क्या इस डिसीजन? कहीं से भी नहीं परेशान है मैम। अच्छा। कोई